नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूपी के राजनीति की, और याद करिए, थोड़ा सा रिकॉर्ड पीछे चलते हैं। बात तब की जब अमेठी में 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, बड़ा भारी उलटफेर हुआ था। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था, और तब स्मृति ने एक बात कही थी राहुल गांधी के लिए। उनको सलाह देते हुए, बिना उनका नाम लिए हुए, स्मृति ईरानी ने कहा था कि मैं उन्हें सलाह देती हूँ कि वो जो भी करें मन से करें। और स्मृति ईरानी वही काम मन से कर रही हैं। राहुल ने उनकी सलाह मानी या नहीं मानी, ये तो राहुल गांधी ही जानते हैं। अब मन से क्या कर रही है स्मृति ईरानी, ये बात तब उठी जब इसी हफ्ते स्मृति ईरानी ने अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी का दौरा किया। 3 दिनों तक वो वहाँ रहीं। बात है 27 दिसंबर की। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ना कि आखिर स्मृति ईरानी अपने मन से क्या कर रही हैं, जो सलाह उन्होंने राहुल को दी उस पर वो खुद कर रही हैं। अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार गए। वो 2 जगहों से चुनाव लड़े थे, केरल में वायनाड से, वहाँ से तो जीत गए, लेकिन अमेठी से वो कांग्रेस की लाज नहीं बचा पाएंगे। अब सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, थोड़ा सवाल जल्दी जरूर है लेकिन इसके मायने बहुत हैं। चुनाव तो अब 2024 में होंगे लोकसभा चुनाव के, लेकिन एक सवाल ये है कि रायबरेली का क्या होगा। रायबरेली जहां से सोनिया गांधी सांसद हैं, और वो 2004 से ही लोकसभा का चुनाव रायबरेली से वो जीतती रही हैं सोनिया गांधी। लेकिन सोनिया गांधी की सेहत अब ऐसी नहीं है कि अगला लोकसभा चुनाव वो रायबरेली से लड़ेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। पिछली बार जब वो लड़ रही थी तो कहा जा रहा था कि शायद प्रियंका गांधी चुनाव लड़ लें या गांधी परिवार से कोई और लड़ लेगा। अब प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव भी हैं और यूपी की प्रभारी भी हैं, तो हक बनता है कि अपनी माँ की सीट रायबरेली से वो चुनाव लड़ लें। हालांकि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की भी एक राजनीतिक इच्छा रही है, और गाहे बगाहे वो इसका जिक्र भी जब वो रायबरेली अमेठी के दौरे पर रहे हैं तो मैंने खुद देखा, हमारे सामने ही उन्होंने ये बात कही थी कि चुनाव लड़ने की उनकी भी इच्छा है। खैर, गांधी नेहरू परिवार को फैसला करना है कि प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, रॉबर्ट लड़ेंगी, या परिवार के बाहर का कोई आदमी चुनाव लड़ेगा रायबरेली से। लेकिन अगर अमेठी से कांग्रेस को और कांग्रेस के भी राहुल गांधी जैसे चेहरे को हराया जा सकता है, तो क्या रायबरेली में भी ये खेल हो सकता है? बीजेपी ऐसा मानती है, और सबसे ज़्यादा इस बात को मानती हैं स्मृति ईरानी, और उन्होंने अपने मन की वहाँ करनी शुरू कर दी। जब वो 27 दिसंबर को अमेठी के लिए 3 दिनों के दौरे पर गई थी तो एक जगह है सलोन। ये सलोन कहने के लिए तो अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ये जो अमेठी लोकसभा है ना, ये यूपी के 3 जिलों रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी के एक एक कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है। तो ये जो सलोन आता है ये रायबरेली ज़िले का हिस्सा है, और सलोन में उन्होंने कार्यक्रम किया। यानी प्रधानमंत्री मोदी के 2020 के साल का जो आखिरी मन की बात कार्यक्रम था, उसमें स्मृति ईरानी उसी कार्यक्रम में वहाँ शामिल हुई। बात उसी दिन की है, सवेरे 11 बजे उनके लिए इस कार्यक्रम में सोफ़ा लगा था। स्मृति सोफे पर नहीं बैठी, वो जनता के बीच जाकर बैठ गए और कई घंटों तक वहाँ रही। सबके साथ, खासतौर से महिलाओं से उन्होंने अपना सुख दुख साझा किया, उनकी बातें सुनी, अधिकारियों को बुला रखा था, अधिकारियों को जनता से मुखातिब किया और कहा कि इनकी जो भी समस्याएं उन्हें दूर कर दीजिए। धीरे धीरे बीजेपी वहां प्लानिंग कर रही है कि अगर 2024 में लोकसभा जो चुनाव हो रहे हैं तो रायबरेली में कैसे कांग्रेस को हराया जाए। पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही सीट बचा पाई थी कांग्रेस यूपी में, जहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, सिर्फ एक सीट रायबरेली, वो भी सोनिया गांधी की वजह से बच पाई थी। ये वो रायबरेली सीट है जहां से इंदिरा गांधी सांसद रहीं, इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी सांसद रहे। लेकिन अब वही सीट संकट में है, क्योंकि बीजेपी ने गांधी नेहरू परिवार को वहां हराने की एक चौतरफा तैयारी कर रखी है। इस ज़िले की जो पार्टी के कामकाज की जिम्मेदारी है वो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को दी गई है। अभी समाजवादी पार्टी से जो सांसद आए हैं बीजेपी में, संजय सेठ, उनको भी इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। लगातार वहाँ दौरे हो रहे हैं। वहाँ अभी रायबरेली में जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं उस पर कांग्रेस का कब्जा है। एक तो अदिति सिंह, जहाँ से कभी पहले बाहुबली नेता अखिलेश सिंह, उनके पिता, चुनाव जीतते थे, लेकिन आजकल अदिति के सुर कांग्रेस की तरह नहीं लग रहे हैं।
वो बीजेपी की तरह लग रहे हैं। अखिलेश सिंह ने हमेशा सोनिया गांधी कांग्रेस की मदद की, लेकिन जो हाल है उसमें लग रहा है कि ये लोग बीजेपी की मदद करेंगे। एक और विधानसभा सीट से जहां से राकेश सिंह कांग्रेस के विधायक हैं, वो बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। यानी इस पूरे रायबरेली क्षेत्र में अगर देखें तो जो नेता और कार्यकर्ता कल तक कांग्रेस के थे वो बीजेपी के हो गए। जनता के बीच में भी अगर देखेंगे कांग्रेस के लोग वहाँ कम जा रहे हैं। केएल शर्मा, सोनिया गांधी तो वहाँ जाती नहीं हैं, तो इसीलिए केएल शर्मा वहाँ के पार्टी का कामकाज देखते थे, 6 महीने से वो भी नहीं गए हैं। तो कांग्रेस एक तरीके से वहाँ निष्क्रिय हो गई है और इसी का फायदा उठा करके अमेठी तो पहली झांकी है और रायबरेली अभी बाकी है कि नारे वहाँ लगने लगे हैं। और इसके लिए लॉन्चिंग पैड किसी और ने नहीं, जिन्होंने कामयाबी का स्वाद चखा और जीत कर दिखाया। असंभव जैसी बात जो थी, असंभव जैसी जो चुनौती थी कि अमेठी से कांग्रेस को हराया जा सके, वो स्मृति ईरानी ने पूरा कर दिया है। तो एक तरीके से देखें तो अब पूरे बीजेपी की नज़र खास तौर से स्मृति ईरानी की है, किस पर? रायबरेली लोकसभा सीट पर। इसीलिए जब इस बार वो गई अमेठी में और सलोन गई जो कि रायबरेली ज़िले का हिस्सा है, तो उन्होंने कहा भी कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो एक राजनीतिक पार्टी के परिवार के लोग जो हैं, मुखिया के परिवार के लोग, वो यहाँ के लोगों का वोट ले लेते थे लेकिन इनके लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तो एक तरीके से बीजेपी, चुनाव अभी 3.5-4 साल दूर है, लेकिन अभी से बीजेपी ने रायबरेली को अपने पाले में लेने की कोशिशें तेज कर दी हैं। और अगर कांग्रेस इसी तरीके से हताश और निराश बनी रही, इलाके में उसने छोड़ दिया, दूसरे के लिए वॉकओवर जैसी स्थिति दे दी, तो फिर जो असंभव लग रहा था, जो गांधी परिवार की एक सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती थी, मुझे याद है कि 1999 की बात है जब कैप्टन सतीश शर्मा वहाँ कांग्रेस से उम्मीदवार थे और अरुण नेहरू जो कि राजीव गांधी के दाहिने हाथ माने जाते थे वो उनके खिलाफ लड़ रहे थे। और प्रियंका गांधी का पहला चुनावी भाषण जो है उस वक्त प्रियंका ने वहाँ से दिया रायबरेली में, कहा था कि जिसने परिवार को छुरा भोंका आप सब क्या उसको जिताएंगे। और प्रियंका के इस भाषण के बाद वहाँ का माहौल बदल गया और कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव जीत गए थे, अरुण नेहरू हार गए थे। लेकिन वही प्रियंका का जादू क्या चल पाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को स्वीकारा है स्मृति ईरानी ने, बीजेपी के नेताओं ने, और रायबरेली की लड़ाई अभी से ही दिलचस्प होने लगी है। इसीलिए आप सब रायबरेली पर नज़र ज़रूर बना कर रखिएगा कि आखिर रायबरेली में होता क्या है।